जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सरदार मोहम्मद सईर खान एडवोकेट ने दीगर अहदेदारान के हमरा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में जारी मरदमशुमारी अक़वाम मुत्तहदा की क़रारदादों पाकिस्तान के आइन एक्ट 74 की खिलाफ वर्जी है। अगर इस मरदमशुमारी को हुकूमत आज़ाद कश्मीर या अक़वाम मुत्तहदा की सरबराही में न करवाया गया तो 17 मार्च को रावलाकोट में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारकुनान गाँव गाँव जाकर आवाम को इस मरदमशुमारी के हवाले से शऊरी आगाही फराहम करेंगे और हम पुरअमन तरीके से भरपूर एहतजाज करेंगे। रहनुमाओं ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से तकसीम कश्मीर के अमल को पूरा करने के लिए खुसूसी एक्ट को खत्म किया गया और अब हुकूमत पाकिस्तान भी इसी साजिश पर अमल पैरा है। मुतनाज़ा इलाकों में मरदमशुमारी करके मरदमशुमारी के जरिए पाकिस्तानी शहरी जाहिर करके तकसीम कश्मीर की साजिश की जा रही है, जिसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के जरिए सहूलतकारों की एक नई टीम तश्कील दी गई है, जिसे आइंदा नवाजने के लिए मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर को नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही है। बलदियाती इंतखाबात के नाम पर आवाम का हिस्सा लूटा गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने आटे पर सब्सिडी खत्म करके गरीब आवाम के मुँह से निवाला तक छीना जा रहा है। बिजली के टैक्सेस में बेजा इजाफा किया गया, जो मराठी याफ्ता तबके को इन टैक्सेस से नवाजा जा रहा है। गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है, जबकि अमीर तबका को गरीब के खून पसीना की कवाई से अय्याशियों के लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं।